हाय गाइस, फाइनली मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए कल और आज बस मम्मी और मैं। ये जमीन आसमान, मम्मी ना तभी गाने चलाती है, बर्तन धोती है, बर्तन बजाती है जब मैं कुछ कर रही होती हूँ। एक सेकंड पॉज कर लो। अरे क्या कर रही हो? भूख लगी है। ये तभी करती है जब मुझे कुछ ना कुछ बोलना होता है या कुछ करना होता है। तो एग्जाम्स खत्म, अब फिलहाल मौसम कितने अच्छे, मौसम के साथ एग्जाम खत्म हुए हैं। हाँ, हर दिन जब मैं एग्जाम देने जाती थी ना तो इतनी गर्मी होती थी कि मतलब आप झेल नहीं सकते, बट फिर भी जाना तो था। ही एग्जाम में तो पता नहीं लगता था 3 घंटे कैसे जा रहे हैं। मारे बादल भी खुश हो रहे हैं। और आज इतना सुंदर मौसम हो रहा है ना, सुबह से बारिश ही बारिश और इतनी ठंडी ठंडी हवा। नाश्ता लग चुका है, फुल टाइम ब्लॉगिंग करेगी। फुल टाइम तो नहीं, जितना मुझसे हो पाएगा उतना कर लूंगी। और ये देखो मौसम, ये मम्मी के पौधे भी सारे बाहर रख दिए मम्मी ने, और इतना सुंदर मौसम हो रहा है, बारिश ही बारिश। ये नेट लगी हुई है ना, इसलिए ब्लॉक होता है व्यू। चाय विद अ व्यू, चीयर्स। इसे देखो, एक ये लड़का पागल हो गया, तब से मेरे पीछे पड़ गया। भूल भुलैया टू, मम्मी को कन्विंस कर ले। तो हमारा शाम के अप पे सेकंड बैच है ये। फर्स्ट बैच में मैंने चाय भी थी वो पी ली हमने, थूक चुके हैं, और ये सेकंड बैच के अप पे है। मम्मी ये कुछ कह रहा है, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई पेपर है इसके, बच्चे थोड़े करे, बच्चे तो ये करते भी नहीं हो। गाइस, यहाँ पे मम्मी को मनाने की प्रक्रिया चल रही है कि मम्मी पिक्चर भेज दो, मतलब मम्मी भैया मुझे कह रहा है, भैया मुझे कह रहा है मैं मम्मी को मना रही हूँ, और भैया कह रहा है कि हम दोनों ही चलते हैं, मतलब भैया और मैं, और मैं कह रही हूँ कि मम्मी को भी लेके चलते हैं। मम्मी ना हमें भेज रही ना खुद जा रही, पैसे बर्बाद नहीं करने मुझे, 300 रुपए यार, 300 रुपए का राशन आएगा। मम्मी यार कैसी बातें कर रही हो, ऐसी आएगा 300 रुपए के, वो लाएंगी मैं बादाम, जब तुम्हारी माँ भी तेज होगा। बाय मम्मी। और मैं मूवी देखने के लिए आ गए फाइनली, मम्मी को हमने कन्विंस कर लिया, मम्मी तो आई नहीं, हम दोनों आ गए। एक्चुअली मम्मी को भी ना आज कहीं जाना था, तो मम्मी वहाँ चली जाएगी, हम दोनों मूवी देखने आ गए, और हम सुबह सुबह ही देखने आ गए 11 बजे वाला शो। मुझे लगता भी नहीं कि ज़्यादा लोग होंगे भी। सो इट्स इवनिंग टाइम, स्लेप्ट फॉर गुड 2 आवर्स। अभी उठी हूँ मैं, मम्मी पापा कह रही हूँ, मम्मी और अपने लिए चाय बना कर लेकर आई हूँ, और मम्मी ये रही। एक्चुअली हमारी मूवी 11 बजे थी, तो 11 से हम लोग 2 बजे घर आ गए थे। मम्मी तो हमें मिलनी थी घर पे, क्योंकि एक्चुअली मम्मी किसी की यहाँ पे पूजा में गई हुई थी, तो तब तक मम्मी आई नहीं थी। हम लोग आए 2 बजे, फिर उसके बाद खाना भी खुद ही बनाया, मम्मी गुस्सा हो गई कि खाना भी नहीं, मतलब मम्मी गुस्सा मतलब ऐसे नहीं है, मम्मी को पता था कि ये पराठे बनाए थे मम्मी ने आज सुबह, तो वो थोड़ी सी पिट्ठी बच गई थी आलू की, तो उसका कहा था मम्मी ने कि पराठे बना लेना उसके, बट एक्चुअली में पिट्ठी इतनी नहीं थी कि भैया और मैं खा लें उसको, तो थोड़े से चावल रखे थे मैंने, उसको फ्राइड राइस करके बना दिया, तो वो हमारा हो गया। फिर मम्मी 1 घंटे बाद आई थी शायद, हाँ,
तो हमने फिर मम्मी कुछ प्रसाद वगैरह लेके आई थी, लड्डू वगैरह, तो हमने वो खा लिए थे। अभी बस फिलहाल चाय पी रहे हैं। और हाँ, भूल भुलैया का रिव्यू, वैसे तो प्रॉपर बॉलीवुड एंटरटेनमेंट है, आपको पता ही होगा ट्रेलर से। तो वैसे भैया और मेरे को तो ठीक ही लगी, एक बार देखने की है, वन टाइम वॉच है। और स्टोरी वगैरह मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुरी है कि आप मतलब ये कहो कि आप देख नहीं सकते, देख सकते हो आराम से। अच्छा कॉमेडी भी है, हंसी भी आती है और डर भी लगता है। भैया और मेरे को तो बहुत डर लगा था, हम दोनों बैठ के हम ही सबसे ज़्यादा चिल्ला रहे थे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डर लग गया था। एक 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 पॉइंट पे तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो देख सकते हो, इतनी बुरी नहीं है। मतलब ऐसा मुझे लग रहा था कि शायद पता नहीं कैसी होगी, भैया बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ था ना, तो चले गए, अच्छा मजे करके आ गए मस्त एकदम। आज ना ब्रदर्स डे भी है और मैं बिल्कुल भूल गई, भैया मुझे ऐसे कह रहे हैं मदर्स डे होता, फादर्स डे होता तो याद भी रहता, ब्रदर्स डे कैसे याद रहेगा। बल्कि उसने मुझे ना मैसेज करके बोला, तो अभी फिलहाल उसके पास चलते हैं और उसको विश करते हैं। रहन दो बस, रहन दो रहन दो। यार मम्मी आज हाँ ब्रदर्स डे है, मुझे याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, मदर्स डे फादर्स डे होता तो याद याद क्या, मुझे रहता। पता ही नहीं, मैंने कहीं देखा ही नहीं। आज पिक्चर मैंने देखा रहे हो जाके? नहीं आज हम पिक्चर भी देखा है कोइंसिडेंटली, मेरे को पता ही नहीं भाई। मैंने इंस्टाग्राम वगैरह भी ज्यादा नहीं चलाया और किसी ने ऐसे पोस्ट वगैरह भी नहीं कर रखा था, तो मुझे बस पता ही नहीं लगा। पता नहीं चलता ना ब्रदर्स डे क्या होता। तो चलो मूवी तो देखा आए थे ना, ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ करा ही नहीं। तो अभी जस्ट मैं अपना पहले वाला ब्लॉग एडिट करके आई हूँ, अभी वो आपके पास आ गया होगा शायद से। हाँ आ गया होगा अब तक तो बस अभी मम्मी बैठ गई है यहाँ पे, भैया भैया बैठा है। आईपीएल का आज फर्स्ट वो है ना, क्या यार भी आज फर्स्ट क्वालिफायर है, राजस्थान वर्सेस कौन, जीटी। हाँ जीटी, तो अब देखते हैं उनमें से जो जीतेगा वो फिर आरसीबी और लखनऊ में से जो जीतेगा उनके साथ खेलेगा। मैं तो फॉर एवर आरसीबी फैन। तो फिलहाल बस थोड़ी देर में हम डिनर भी कर लेंगे, 8:30 ऑलरेडी हो रहे हैं। ब्लॉग एडिट करके थोड़ा टाइम लग गया मुझे, तो बस अभी फिलहाल डिनर करेंगे। तो चलो आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं और फिर मिलूंगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ। और अभी मेरा हाथ भी दुख गया, पकड़ पकड़ के आदत छूट गई है ब्लॉगिंग करने की। तो अब मैं कोशिश करूंगी बैक ऑन ट्रैक आने की, एंड आई होप आपको ये वाला ब्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो या नहीं हो वैसे तो सब्सक्राइब कर लेना। जो भी फिर कोई भी नहीं मिलूंगी, करता। कोई भी नहीं करता फिर भी बोलना तो पड़ता ही है। हाँ कर लेना प्लीज़ प्लीज़, है ना। हाँ आपको नए ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।